आज रेलवे में एक सीनियर ऑफिशियल को एक मेल मिली थी जिसमें एक थ्रेट कॉल के बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें जनपद सहारनपुर में आने वाली एक ट्रेन में कुछ बॉम्ब रखे होने जाने की सूचना थी, जिस पर हम लोगों ने पूरे रेलवे स्टेशन के परिसर को सभी जीआरबी आरपीएफ और संयुक्त पुलिस की टीम के साथ चेक कराया और एलआईयू टीएफएमडी एचएचएमडी और डॉग स्क्वाड के लोगों को ले जाके हम लोगों ने चेक कराया, जिसमें कुछ नहीं मिला है। आगे भी हमारी चेकिंग इसमें जारी रहेगी, कुछ भी सूचना मिलती है उसमें हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी को एक मेल आया, अंश शर्मा नाम के व्यक्ति ने मेल किया कि चार लोगों को बात करते हुए सुने थे कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की वो बात कर रहे थे, इस तरह की योजना कुछ बना रहे थे। ये 7:30 बजे के लिए धमकी थी और इस पर हमारा पूरा यहाँ का सिविल पुलिस, जिसमें एसपीसीटी सर के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड, हमारी एंटी सबरचेट चेकिंग और पूरी आरपीएफ की टीम, हमारी जीआरपी की टीम, सभी ने मिलकर लगातार जो खास रूप से दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं और दिल्ली से जो आ रही हैं उन पर लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और सघन चेकिंग कर रहे हैं। बाकी जो भी हमारे और जो भी लूप होल्स हैं जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, कोई भी निकास द्वार है या प्रवेश द्वार है, उस पर और सतर्कता हम लोगों ने बढ़ा दी है। इसमें सादे में और वर्दी में हर तरह से लोगों को लगा के और चेकिंग करा रहे हैं। बाकी ट्रेन में स्कॉर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है आज और हम लोग बिल्कुल अलर्ट पे हैं। मेल में क्या है? मेल में यही है कि इस तरह से उस व्यक्ति ने सुना है और उसने रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी को ये मेल कर दिया था कि हमने ऐसा सुना है लोगों को बात करते हुए। अभी इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। क्या मेल की सत्यता कितनी है? नहीं, ये चीज़ें अभी तो चूँकि हमारे रेलवे बोर्ड से होते हुए, ये हमारे अंबाला आरपीएफ जो इंटेलिजेंस इनपुट है उससे होते हुए आया है, तो इसमें अभी गहनता से जांच की जाएगी और चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि इस तरह के बातें आती रहती हैं, कई बार हम लोग इससे अलर्ट मोड पे हो जाते हैं क्योंकि रूटीन में रहते हैं, लेकिन और थोड़ा सा हम लोग चेकिंग वगैरह बढ़ा देते हैं, तो आज उसी की एक ड्रिल थी। और सत्यता के बारे में इसमें और चीज़ें निकल के आएंगी जो जांच के बाद ही पता चलेगा। चेकिंग अभी लगातार जारी रहेगी? ये लगातार जारी रहेगी जब तक कि हमारी खास रूप से दिल्ली जाने वाली और आने वाली जो ट्रेनें हैं उनको लेके हम लोग ज़्यादा सतर्क हैं, तो ये हमारी चेकिंग जारी है।